अविनाश म्यूजिक में आप सभी का स्वागत है। लर्न पियानो इन सेवन डेज के चार लेसन ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं और आशा करता हूं कि आपने इसके पहले के सभी चारों वीडियो देख चुके होंगे। बहुत ही बेसिक जानकारी के साथ चारों वीडियो तैयार किए गए थे। लर्नर के लिए जो पियानो सीखना चाहते हैं उनके लिए यह सभी वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए सीरीज के पांचवें वीडियो की ओर चलते हैं, लेकिन उसके पहले आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसमें इसी प्रकार के संगीत की बेसिक जानकारी दी जाएगी और हिंदी फिल्म संगीत की बेसिक नोटेशन, सॉन्ग्स नोटेशन भी आपको सिखाए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो कॉर्ड्स। कॉर्ड्स, सबसे पहले जानते हैं कि कॉर्ड्स क्या है। संगीत में जब हम तीन या तीन से ज्यादा स्वरों को या नोट्स को एक साथ बजाते हैं तो उसे कॉर्ड्स कहते हैं। कॉर्ड्स दो नोट्स के भी हो सकते हैं, दो नोट्स को अगर एक साथ बजाएं तो भी हो सकता है, और चार पांच छह नोट्स को भी यदि एक साथ बजाएं तो कॉर्ड्स बन सकता है। लेकिन सबसे अच्छा, सबसे सरल कॉर्ड्स वो होता है जो हम तीन स्वरों या तीन नोट्स के साथ बजाते हैं। और यह बजाना चूंकि बहुत सिंपल होता है, इसे सीखना भी बहुत सिंपल ही होता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस में यह हम कॉर्ड्स सीख सकते हैं। संगीत में कॉर्ड्स की बहुत ही जरूरत होती है, क्योंकि इससे संगीत में मधुरता आती है, संगीत सुनने में अच्छा लगता है। और संगीत बजाते समय, कोई भी धुन बजाते समय जो बीच में खालीपन रहता है वह इस कॉर्ड्स के कारण भर जाता है और गाना या संगीत बहुत ही कंप्लीट नजर आता है। गाने को कॉर्ड्स के साथ प्ले करने पर सुनने में बहुत ही कर्णप्रिय और मधुर लगता है। पहले कॉर्ड्स का इंडियन म्यूजिक में उपयोग नहीं होता था, यह सिर्फ वेस्टर्न म्यूजिक में ही बजाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे वेस्टर्न म्यूजिक और इंडियन म्यूजिक आपस में घुलते मिलते गए, कॉर्ड्स का उपयोग इंडियन म्यूजिक में भी बहुत ज़्यादा होने लगा, और अब तो हर एक इंडियन म्यूजिक में कॉर्ड्स का उपयोग होता ही है। आइए अब हम देखते हैं कि कीबोर्ड या पियानो पर कॉर्ड्स कहाँ पर बजाए जाते हैं। देखिए, कीबोर्ड का ये मिडिल ऑक्टिव है, यह लोअर ऑक्टिव है और ये अपर ऑक्टिव है। कॉर्ड्स हमेशा लोअर ऑक्टेव में बजाए जाते हैं। ऐसा क्यों? तो इसका भी एक कारण है। मिडिल ऑक्टेव के डी शार्प की आवाज सुनिए, अब लोअर ऑक्टेव के डी शार्प की आवाज सुनिए, थोड़ा आप वॉल्यूम तेज कर लेते हैं। मिडिल ऑक्टेव के डी शार्प को सुनिए और लोअर ऑक्टेव के डी शार्प को सुनिए। कॉर्ड्स लोअर ऑक्टेव में इसलिए बजाए जाते हैं कि लोअर ऑक्टेव में जो स्वर है उसमें बास बहुत ज़्यादा होता है, और जब हम कॉर्ड्स बजाते हैं तो वो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। कॉर्ड्स कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये कॉर्ड्स के कई प्रकार हैं। लेकिन हम बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छा है कि हम पहले मेजर कॉर्ड्स और माइनर कॉर्ड्स सीख लेते हैं। एक ऑक्टेव में 12 टोन होते हैं, हर एक टोन का एक मेजर कॉर्ड्स होगा और एक माइनर कॉर्ड्स होगा। इस तरह टोटल मेजर और माइनर कॉर्ड्स मिलाकर 24 कॉर्ड्स बनेंगे। अब ये मेजर कॉर्ड्स कैसे बनते हैं वो सीखते हैं, और उसके बाद ये सीखेंगे कि माइनर कॉर्ड्स कैसे बनते हैं। मेजर कॉर्ड्स एक हैप्पी कॉर्ड्स है, यह उल्लास और खुशी के गानों में बजाया जाता है। अब मेजर कॉर्ड्स कैसे बजाया जाता है, कैसे बनाते हैं, उसे सीख लेते हैं। जिस स्वर का या जिस टोन का हमें मेजर कॉर्ड्स बनाना हो
उसका एक फॉर्मूला है, उसे समझते हैं। मान लो हमें सी टोन का मेजर कॉर्ड्स बनाना है, तो हम सी टोन को पहला नोट मानते हुए आगे बढ़ेंगे। जिस टोन का हमें कॉर्ड्स बनाना है उस टोन को हम रूट टोन भी कह सकते हैं। अब सी टोन को पहला स्वर मानते हुए चौथे सेमी टोन पर जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यह कॉर्ड्स का दूसरा स्वर होगा। इसके बाद सेवंथ सेमी टोन पर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तीन स्वर मिल गए और यही सी टोन का मेजर कॉर्ड्स बन जाएगा। आइए इसी तरह से इसी फॉर्मूला से देखते हैं कि जी मेजर कॉर्ड क्या होगा। जी टोन यह रूट टोन होगा, उसके बाद 1 2 3 4 चौथा सेमी टोन, उसके 5 6 7 सातवां, ये आपका जी मेजर कॉर्ड होगा। इसी फॉर्मूला से इसी तरह से देखते हैं एफ टोन का मेजर कॉर्ड क्या बनेगा, सी डी ई एफ। एफ 1 2 3 4 चौथा सेमी टोन और 1 2 3 4 5 6 7वां सेमी टोन, ये तो बनेगा क्या, एफ ए और सी। आइए अब देखते हैं माइनर कॉर्ड्स कैसे बनता है। जिस तरह से मेजर कॉर्ड्स का एक फार्मूला था, वैसा ही माइनर कॉर्ड्स का भी एक फार्मूला है। जिस टोन या जिस स्वर का माइनर कॉर्ड्स बनाना है वह उस कॉर्ड्स का पहला की होगा। सी का है ये पहला की होगा, उसके आगे का तीसरा सेमी टोन और उसके आगे का सातवां सेमी टोन, 1 2 3 4 5 6 7। यह सी माइनर कॉर्ड्स बना। इसी प्रकार जी माइनर कॉर्ड्स क्या होगा, जी ए शार्प और डी। और ए माइनर कॉर्ड्स क्या होगा, ए सी और ई। इस प्रकार इन फॉर्मूलों से हम मेजर कॉर्ड्स और माइनर कॉर्ड्स बना सकते हैं। हमने इस लेसन में मेजर कॉर्ड्स और माइनर कॉर्ड्स बनाना सीखा है। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगले लेसन में हम इन कॉर्ड्स का किस प्रकार उपयोग करें वह जानेंगे, और यह भी जानेंगे कि वो चार कॉर्ड्स कौन से हैं जिससे बॉलीवुड के अधिकतर गानों में यूज किया जाता है। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, थैंक यू।